ये देखो जी रेविशिंग रवा ये देखो तो उदयपुर जिसको जाना जाता है सिटी ऑफ लेक्स, बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। और आज कल एक्चुअली तो हम कल आ गए थे, शाम को थोड़ा बहुत कल वैसे हम लोग उदयपुर पहुंच गए थे और उदयपुर में जो गणगौर घाट वाला एरिया वहाँ पे घूम रहे थे, हमने ट्रेडिशनल राजस्थानी डांस देखा, अल्टीमेट मज़ा आया कल हमारे को। और लिस्ट में हमारी कुछ अट्रैक्शंस थी, आज बाकी की अट्रैक्शंस हम लोगों ने घूमनी है दिन भर। चलें स्टॉप नंबर वन, कहाँ जा रहे हैं हम? पहले सिटी पैलेस, बट उससे पहले खाना। नारियल पानी भैया कितने का है? तो सात दे दो, सात, बढ़िया। हाँ पीने के लिए बढ़िया होने चाहिए भैया। देखो रोहतक में 100-100 रुपए का भी पिया मैंने, तो यहाँ पे उदयपुर में नारियल के पेड़ है क्या? या तो पेड़ हो, पेड़ भी नहीं है। नहीं हो भी सकते हैं। लो सर, 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 लो पहले भैया को देते हैं। लो भैया ले लो, लो नहीं करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। है ही एक गुटका होगा यार, इसमें क्या बचाओ? हल्का सा खट्टा है, ठीक है। अरे काफी सारा पानी है, पानी बहुत है इसमें यार। हिंदुस्तान में नारियल पानी पियो, ये तो खाली लग रहे हैं। खा दिए छोलिया, छोलिया छोलिया बिक गया, सब बिक गया जी, है नहीं हमारे को छोलिया बहुत पसंद। हाँ ये खाली रहे, हमारे को छोलिया बहुत पसंद है, हम सोच रहे टाइम पास के लिए छोलिया खाते रहेंगे, पर मिल नहीं रहा, खत्म है ये पड़ा। अच्छा खाने वाले एक गड्डी ले लो, हरे हरे बेटा ये है छोलिया, पहले इसको तुम खोलिया फिर खा लिया। एडा मामे ये पता है इनको, छोलिया नहीं पता है। सॉरी गाइज, रुकावट के लिए खेद है। आई नो आप ये सोच रहे होगे कि ये बंदा अभी तो उदयपुर में था, ये अचानक से कनाडा कहाँ पहुँच गया? यस वी आर इन कनाडा। मैं अभी ना एक एक करके जो इंडिया वाले जो एपिसोड्स थे मैं उनको एडिट कर रहा था, और अभी 5-6 एपिसोड्स बचे हुए हैं। बट हुआ ये है कि बहुत से लोगों का अभी भी मैसेज आ रहा है, बिकॉज दे डोंट नो ऑफ कोर्स दैट वी आर बैक इन कनाडा। पीपल आर सेंडिंग मैसेजेस कि आप उदयपुर में हो, कैन यू डू अ मीटअप इन जयपुर, या फिर लोग हमें कह रहे हैं कि कैन वी मीट यू देयर। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा डिले चल रहा हूँ। सी हुआ क्या कि जो हमारी इंडिया की जो ट्रिप थी ना, वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा ये था व्हेन वी वर कम्प्लीटली ऑन अ वेकेशन, जब हम पूरा जोर हमने घूमने पे दिया हुआ था। उसके बाद का जो आधा टाइम था लगभग, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम इंडिया। मैं रात को लॉग इन करता था और मैं काम कर रहा था रिमोटली, और दिन भर फ्रेंड्स फैमिली थोड़ी बहुत व्लॉगिंग जो रिकॉर्ड कर पा रहा था, बट एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड दैट इज़ वन बिग डिसएडवांटेज अगर आप फुल टाइम जॉब में हो, अपने व्लॉग्स को लाइव रियल टाइम पे एडिट करना और रियल टाइम पे उसको पोस्ट करना, डेली पोस्ट करना, इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिले चल रहा हूँ। एंड आई थॉट यू गाइस डिजर्व टू नो, जो लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमसे मिल लो, ये कर लो, लोग सजेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आपके बहुत सारे सजेशंस काम आते हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगले जो आने वाले कुछ एपिसोड्स होंगे, बस 5-6 एपिसोड्स और बचे हुए इंडिया के, दे विल बी मिक्स, लाइक इट वॉन्ट बी कम्प्लीटली इंडिया। ग्रेजुअली व्लॉगिंग यहाँ की रैम्प अप हो रही है, वार्म अप हो रहे हैं कैनेडा के लिए, सो देर विल बी सम कंटेंट ऑफ कैनेडा, सम कंटेंट ऑफ इंडिया अगले 5 एपिसोड, एंड देन इट विल बी कम्प्लीटली स्विच टू कैनेडा। आई होप यू विल सपोर्ट मी इन दिस, एंड इफ आवर वीडियोस ब्रिंग यू जस्ट अ लिटिल बिट हैप्पीनेस, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, लेट्स गो बैक टू द उदयपुर वीडियो।
पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। रेस्टोरेंट की एंट्रेंस तो बढ़िया है, मम्मी कहाँ रहेगी? हर जगह ना, हर जगह यहाँ पे हिस्ट्री झलकती है, ट्रेडिशन झलकता है। सो जा बेटा, सो जा, आ रहा है अभी खाना, सो जा, उठा देंगे तेरे को। इस रेस्टोरेंट का नाम है जजैम। ये ग्लास में उल्टा लिखा हुआ है, ये ऐसे समझ में आ, लिखा हुआ है मलाल, लेकिन उल्टा लगा हुआ है। इसको कोई मलाल तो नहीं हो, देखते हैं मलाल होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये उल्टा ऐसे लग रहा है मलाल। मलाल मीन्स डू यू रिग्रेट कमिंग हियर। ये कौन सी सब्जी, इसका क्या नाम था जो राजस्थानी मंगाई थी हमने? सेव टमाटर की सब्जी, राजस्थानी स्टाइल। और फिर ये है चिकन मलाई टाको। और हमने किए हैं कुछ आलू गोभी और पनीर के पराठे। पराठे अच्छे हैं, अच्छे हैं पराठे, बहुत ही टेस्टी है। मुझे बड़ा वाला पीस है, इतना बड़ा? हाँ खा लूँगा मैं, कोई बात नहीं। फाइनली 2:15 जा रहे हैं हम लोग सिटी पैलेस खाना खाना खाने के बाद में। गो गो गो, ओहो ओहो, भाई महाराजा थे यहाँ के, महाराणा उदय सिंह, ही स्टार्टेड दिस सिटी। 400 साल पुराना महल है ये। वैसे तो ये एक महल है सिटी पैलेस, पर इसके अंदर अलग अलग महल हैं, जनाना महल, मर्दाना महल, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने उसको बड़ा करते गए और अलग अलग महल बनाते गए। यहाँ एक म्यूजियम है, वहाँ चलते हैं। और जो महाराणा उदय सिंह थे उनके बेटे थे महाराणा प्रताप, जो कि बहुत फेमस है। उनका माना जाता है कि उनकी हाइट थी 7.5 फीट की। जैसे होता है कि नॉर्मल घरों में घुसते ही सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति होती है, वैसे ही पैलेस में भी। और देखो आपको अगर नहीं हुए तो आप नीचे ही वेट कर लो, देख लो मर्जी आपकी, थोड़ी बहुत ही होंगी सीढ़ियाँ मुझे लगता है। तो ये है महाराणा प्रताप का कक्ष, 14 किलो का ये था जो कवच है, ये आर्मर है। जो देखो कि इतना बड़ा कवच होने के बावजूद भी लोगों को तलवारें भी लग जाया करते हैं। यू सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोस, और कितने अलग अलग तरह के एरोस हैं जी। ये है महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप, he was the enemy. Yeah. तो ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास हमेशा दो तलवारें होती थी, एक तो अपने लिए और दूसरी दुश्मन के लिए। कि मान लो अगर उनको कोई ऐसा दुश्मन मिल जाए जो निहत्था हो, तो उसको एक तलवार देते थे अपने से लड़ने के लिए, क्योंकि कभी भी निहत्थे में वार नहीं करते थे, इतने हाई मॉरल वैल्यूज को पालन करते थे। अभी वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन महल के अंदर गर्मी नहीं लगती, तो जो पत्थर वत्थर ऐसे लगाए होते हैं, हाँ ये ठंडा लगता है। पत्थर हो गए या जो भी कमरे हैं उसके अंदर ठंडा है।
बेटा ये पहले जमाने का टेलीफोन बूथ था। हैरी पॉटर में भी तो होता है ना। हैरी पॉटर में भी तो वो पिजन लेके जाता है। पिजन लेके जाता है, आउल लेके जाता है। आउल आउल आउल, हाँ हैरी पॉटर में आउल। इंडिया में, इंडिया में पिजन्स होते थे बेटा। हाँ यहाँ पे सोते थे, ये हॉस्टल है कबूतरों का। इतना बड़ा महल है ना, ओ भाई साहब हम पता नहीं कितने 50 कमरों में तो होके आ चुके होंगे। बोल अब तो थक गए थोड़ा सा, लेकिन एक एक जगह में नक्काशी है, एक एक कोना नहीं छोड़ा हुआ, वहाँ पे कलाकृति है, बस हर जगह आर्ट आर्ट आर्ट, कुछ ना कुछ है। हाँ हाथी का दांत, हाथी के दांत से बना हुआ दरवाज़ा। उस टाइम बिजली नहीं होती थी तो कैरोसिन से चलाते थे पंखे। टाइम 4 बजे, हमने 2 बजे ब्रेकफास्ट किया था, या जो भी मान लो ब्रंच किया था, थोड़ी भूख और लगाई है। यहाँ मिल रही है इनकी दाल बाटी चूरमा। अब दाल बाटी चूरमा को कोई ना कैसे कर सकता है, और साथ है मम्मी। इनको सबको भूख नहीं है, मेरा दाल बाटी देख के खाने का मन कर गया है। और इसके साथ में मिली है हमारे को अमूल की मस्त मसाला छाछ, टेस्ट तो करा। कसोरे में 4 चाय विद पार्ले जी। और इस फोर्ट से नीचे देखोगे तो फोर्ट के चारों तरफ है यहाँ पे ऐसे पहाड़ियाँ ही हैं, और पूरी जो उदयपुर सिटी है यहाँ से नज़र आ रही है। इंजन नंबर 1559। बड़ा बाजार डाला है जीपीएस में, लेकिन आपका उल्टी साइड दिखा रहा है। आपका कितना बड़ा बाजार है? कितना बड़ा बाजार? कितना बड़ा ये बता। तो बड़ा ही है। अब डिपेंड करता है ये बाजार कितने हैं, पर मुझे ये बता क्या पता कोई और भी बड़े बाजार हो। नहीं नहीं वो रास्ता ना एक्चुअली वो इधर से नहीं जा रहा है। टाइम फॉर सम शॉपिंग, हम लोग जा रहे हैं अभी बड़ा बाजार। यहाँ अंदर गाड़ी नहीं जाती, भीड़ बहुत होगी, तो गाड़ी पीछे पार्किंग में करवा के यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से। हाँ अगर दुकान का नाम है ऑल इज़ वेल, लेकिन जो पुतला खड़ा है सामने वो बेचारे थोड़े वेल नहीं लग रहे। सबसे पहले चाहिए चूड़ियाँ। देखो महिलाएं अंदर हैं, पुरुषों की हालत देखो, एक वहाँ बैठा है, पापा यहाँ बैठे हैं। तू भी बैठ ही जा यार, उस सीढ़ी पे बैठ जा, जा पीछे जा जा जा, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लो यार। पहले तो बाजार का नाम ही बड़ा बाजार है, इतना बड़ा तो बाजार है, ऊपर से अगर एक एक शॉप के ऊपर इतनी इतनी देर लगाएंगे तो बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा। ये यहीं से बड़ा बाजार शुरू हुआ बेटा। आओ मिल के इस बड़े बाजार को थोड़ा छोटा बाजार करें, जल्दी जल्दी सामान लें। आया भाई कुछ पसंद? ये कैसा लग रहा है? नाइस, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे, ये भी अच्छे हैं। साक्षी ये भी बड़े अच्छे हैं, ये कैसे तैसे घुस ही जाएंगे, घुस जाएंगे, आ जाएंगे पूरे। इतने लोग पहले कभी बैठे हैं आपकी रिक्शा में? आ गए सारे के सारे, आ गए। हम लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, पकड़ के ऊपर भी पकड़ ले, ऊपर भी पकड़ ले। हाँ ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ से हाथी पोल, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हाँ, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में पड़ता है हाथी पोल। नो, वेस्ट पोल एंड ईस्ट पोल। हाँ, दैट स्मार्ट। विच बुक डिड यू लर्न इन? माय ब्रेन बुक। या ये देख, सी दिस इज द पोल, दिस इज पोल मींस गेट, और ये हाथी बना हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई कुछ करी शॉपिंग? कुछ करी शॉपिंग?
जितनी देर हम सिटी पैलेस नहीं घूमे होंगे ना, उससे ज़्यादा देर इस ज्वेलरी की शॉप में हो गई है। थक गए हम, खड़े ना बैठने की जगह ना कुछ। भाई हालत खराब हो गई यार, कर क्या रहे हो तुम खड़े यार, आपको बोला बैठ जाओ। कहाँ 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 बैठे? ये मोटरसाइकिलें पड़ी हैं बैठने के लिए बस। ऑल राइट भाई, अभी खत्म नहीं हुआ खत्म। बैग और लेने, बैग लेने भाई अभी। चलो आज साउथ इंडियन खा रहे हैं जी, शाम को सांभर डिनर। ये देखो जी रैविशिंग रवा। तो रविश जो रवा ही लेगा डोसा लिखा हुआ रैविशिंग रवा। ये देखो ये देख सैम्स पिज्जा। तेरे को तो पिज्जा खाना पड़ेगा, मेरे को रवा डोसा खाना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं था कि ये कनाडा में भी है, हैमिल्टन में भी है, मिसिसागा में, वॉन में, किचनर में, ओटावा में। हमें पता नहीं था ये संकल्प है वहाँ पे, कभी नाम नहीं सुना इसका। ये दोनों तो ये तीनों हमारे घर के पास है। सब लोगों का रैविशिंग रवा आ गया। ये रैविशिंग रवा आ गया सबका। ये साउथ इंडियन सूजी का हलवा होता है, केसरी। कैसा? अच्छा। हमने इस ट्रिप में इतना खाया कि ये ट्रिप खत्म हो जाए, एक हफ्ते का पूरा फास्ट रखना है, कुछ नहीं खाना है। नहीं, मैं तो पूरा एक हफ्ता फास्ट, एक हफ्ते का फास्ट रखूंगा। हाँ, ये हर जगह पान ले आते हैं यार खाना खाने के बाद। ये बढ़िया चीज है यार, ये बढ़िया। अब हालत ये हो गई है, हमें घर से निकले हुए इतने दिन हो गए, रोज ट्रैवल हो रही है, रोज हम किसी ना किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद ना ऐसा टाइम आता है कि बस अब लगता है कि अब बस बहुत हो गया। आई थिंक वो टाइम पहुंच गया हमारा। हैक्टिक है यार इंडिया में ट्रैवल, बहुत हैक्टिक है एक्चुअली। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, हाँ, तो हमारे लिए काफी ज्यादा टायरिंग हो गया। नहीं तो इतना हम नहीं, गर्मी भी है थोड़ी, इतना नहीं थकते, लेकिन इस बार हमारे को बहुत ज्यादा। मैं शॉपिंग भी बहुत करी आज। ऑलराइट गाइस, खूब थक चुके हैं इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो थोड़ी डिले भी आएंगी हमारी, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा, कहीं भी वाईफाई नहीं चल रहा। तो मैंने डेटा का मेरा प्लान ख़त्म हो गया था, 20 GB का पहले कराया था मैंने, वो फिनिश हो गया। अब 50 GB का भी कराया, बट उसमें डेटा में स्पीड भी बहुत स्लो चल रही है, मतलब 2-4 Mbps कुछ तो इस एरिया में है जहाँ सिग्नल बढ़िया नहीं आ रहा है यहाँ पे। वही है। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।